कोयलांचल में जब कमाई में कोई भी बाधक बनता है अथवा बादशाहत में खनन डालता है तो लोगों पर खून सवार हो जाता है, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, कत्ल तक भी हो जाता है। बीसीसीएल के बरोरा की मुराइड इक्वलियरी के कोल डंप पर रविवार की दोपहर यही हुआ। दो गुट आपस में भिड़ गए, पत्थर बरसने लगे, लाठियां चलने लगी, गोलियों की बारिश होने लगी। यह सब तब तक चलता रहा जब तक पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद भी तमाशा होता रहा। लाठी डंडे से लैस एक गुट के लोग दूसरे गुट के लोगों को पीटते रहे। बीसीसीएल की लोडिंग प्वाइंट पर हमेशा ऐसा दृश्य दिख ही जाता है। कहने को तो मजदूर आपस में लड़ते हैं, लेकिन असलियत कुछ और होती है। मजदूरों के गुट के पीछे कोई ना कोई मजबूत हाथ होता है और उन्हीं हाथों के इशारे पर मजदूर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि मजदूरों का जितना बड़ा दंगल उनके पास होगा उनकी कमाई भी उसी अनुपात में होगी। मुराइड इक्वलियरी लोडिंग प्वाइंट पर भी ऐसा ही कुछ मामला है। एक गुट सिंडिकेट का समर्थक है जबकि दूसरा गुट सिंडिकेट का विरोध कर रहा है। ढूलू महतो के समर्थक मैनुअल लोडिंग की मांग कर रहे थे जबकि जलेश्वर महतो के समर्थक पे लोडर से लोडिंग के पक्ष में थे। इस विवाद को लेकर 5 दिनों तक लोडिंग ठप थी। शनिवार को पुलिस की भारी बंदोबस्ती के बीच पे लोडर से ही लोडिंग शुरू हुई। हालांकि वासुदेवपुर कोयलियरी में तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।